वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकिंग माइंड। दोस्तों, बहुत से छात्र ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर, आपने JSSC के द्वारा सचिवालय सहायक पोस्ट के लिए जितना भी अभी तक एग्ज़ाम लिया गया है उसका कट ऑफ तो बता दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दीजिए। तो उसी को ध्यान में रख करके दोस्तों मैंने ये शॉर्ट वीडियो बना दिया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी JSSC के द्वारा सचिवालय सहायक पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लिया गया है उसका PT और मेंस दोनों का क्वेश्चन पेपर PDF के साथ अपलोड कर दिया है। और इसके अलावा मैंने जो ऑफिशियल आंसर की जारी किया जाता है JSSC के द्वारा वो भी अपलोड कर दिया है। आप लोग दोनों को डाउनलोड कर लीजिए, पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उसको बनाइए, उसके बाद ऑफिशियल आंसर की से मिलाइए कि कितना आप लोगों का सही होता है, इधर उधर से नहीं मिलाना है। और दोस्तों बता दूँ कि 2019-20 का जो CGL जो आप लोगों का आया है, जल्द ही मैं उम्मीद करता हूं कि लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बाद आप लोगों का डेट अनाउंस किया जाएगा। अभी सब कुछ कोरोना पे डिपेंड करता है, इसीलिए मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूं कि आप लोग जो है लॉकडाउन का पालन करें ताकि जल्द से जल्द इस महामारी से निजात मिल सके। और दोस्तों बीच में मेरा चूँकि 6ठी JPSC मेरा मेंस क्लियर हुआ था, जिसका इंटरव्यू मेरा 6 मार्च को था, तो इंटरव्यू के मैं व्यस्तता के कारण मैं वीडियो ना बना सका बीच में। और जल्द ही मैं आप लोगों का स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट पे जो अपकमिंग JPSC का जो एग्ज़ाम होगा कंबाइंड 7वीं 8वीं और 9वीं संयुक्त रूप से जो कंबाइंड एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो जितने भी JPSC के एस्पिरेंट हैं उन लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है PT से लेकर के इंटरव्यू तक का, सबको मैं शेयर करूँगा ऑनेस्टली किस तरह से मैंने तैयारी किया, कौन कौन सा बुक पढ़ा, कौन कौन से कोचिंग में मैं गया, कहाँ कहाँ टेस्ट सीरीज़ दिया। मेरा जनरल में मैं क्वालिफाई किया हूँ, हालांकि मैं जनरल में ही आता हूँ, अभी तक मार्क्स तो पता चला नहीं है, वो बाद में पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए अंतिम रूप से, और आप लोगों से दुआ और प्रार्थना की गुजारिश है ताकि मेरा सिलेक्शन अंतिम रूप से हो जाए और मैं आप लोगों को इसी तरह से मार्गदर्शन करता रहूँ। और दोस्तों इस लॉकडाउन की घड़ी में अभी ऑनलाइन क्लासेस का महत्व बहुत ही बढ़ गया है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस मैं आप लोगों का लूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए, मैं आप लोगों का जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू जल्द से जल्द कर दूंगा। धन्यवाद।